गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट चैप्टर में हम मनी का कर रहे थे। आई होप जितना भी हमने लास्ट क्लास में किया था आपको सारे सम्स क्लियर हो गए होंगे और वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की एक्सरसाइज हमारा 7.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। हमें नीचे मनी में ही सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए हैं, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। रुपीज़ और पैसे जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही इसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। 435 रुपीज़ 60 पैसे, 230 में से 28 पैसे इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, जैसा कि आपको पता है सिंपल सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ज़ीरो से एट तो जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं इसमें हम इससे कैरी लेते हैं और इसके पास कितना बच जाता है, 5। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब इधर आते हैं, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 5 का 5, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 में से 2 किया तो क्या आ गया हमारा, 205 रुपीज़ 32 पैसे। इसका एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ इधर, रुपीज़ और पैसे, 160 रुपीज़ 50 पैसे। 42 डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए, मैं हमेशा और हर सम में बोलती हूँ कि आपको डिजिट के नीचे डिजिट करना है, तभी आपका सम वो क्लियर होगा। 0 0, 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, ये भी 0, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये अपने से कैरी लेगा तो ये 10 हो गया। अब ये इसको दे देगा तो ये तो 15 हो जाएगा, इसके पास कितना बचेगा, 9, और ये कितना बचेगा, 5। आपको ऐसे ऊपर लिख लेना है ताकि आप भूले नहीं। तो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 9 में से 2 किया 7, यहाँ क्या बचा था, 5, 5 में से 4 तो जाएगा नहीं, इससे ले लेगा 15 हो गया, 15 से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 11। ओके, ये आपका इस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, तो इसको कैसे करना था, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1, और ये 1 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए एज इट इज़ 1 हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो 117 रुपीज़ 80 पैसे। तो इस तरीके से आपको ये सम पूरा क्लियर ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, इसके दो मैंने बता दिए, सिंपल है सब्ट्रैक्शन है, इसका आपको डी और एफ होमवर्क में करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का डी और एफ होमवर्क में करना है। आई होप ये सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड करते हैं हम, कुछ नहीं है, ईजी सब्ट्रैक्शन है, बस रुपए और पैसे लिखना है और डिजिट के नीचे डिजिट का ध्यान रखना है कि किस तरीके से किसको नीचे लिखना है। क्वेश्चन टू करते हैं, राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक। एक बात को आपको ध्यान में रखना है, जब इसको कॉलम में बोला गया तो इसको पूरा मीन्स सवाल को पूरा सॉल्व करना है, कॉलम में करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। अभी एग्जाम में बहुत से बच्चों ने ऐसे ही क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर लिखे हुए थे, तो इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। फ्रॉम 200 रुपीज़ क्या करना है, 200 में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किसमें से, 200 में से 62 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट का और ये पैसे का सिंबल बनाएंगे, तो रुपये कितने हैं इसमें, 200.0 पैसे। ओके, इधर क्या है आपका, 82 पैसे और 62 रुपीज़, इस तरीके से आपको कॉलम में अरेंज करना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो छोड़ देना है आपको, ठीक है, तो 0 से 2 तो जाएगा नहीं, इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, ये भी 0, तो क्या होगा, ये एक इससे कैरी लेगा तो ये कितना हो गया, 10, एक इसको दे देगा ये 10 हो गया, इसके पास कितना बचा, 9, ये भी 9 बचा, ये अपने साथ वाले को दे देगा 9, और ये कितना हो जाएगा, 10। 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कितना बचा था 1, 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और ये 1, तो ये हमारा आंसर इतना आएगा। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है।
तो इसको आपको इस तरीके से अरेंज करना है। इसका बी मैं एक और बता रही हूँ कि क्या करना है, ₹98.55 फ्रॉम ₹230.00। तो किस में से, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। तो कॉलम में अरेंज करेंगे रुपीज़ और पैसे, तो रुपीज़ कितना है इतना, पॉइंट पैसे इतने, इसमें पैसे कितने हैं 55.98, पॉइंट के नीचे पॉइंट और डिजिट के नीचे डिजिट, इस तरीके से सबट्रैक्ट करना है। सेम सिचुएशन जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था, 000 इससे कैरी लेंगे ये तो खुद 2 बचेगा इसके पास, ये 10 था 1 इसको दे देगा, इसके पास 9, ये भी 9 और ये 10 हो जाएगा, इसने इसको दिया तो इस तरीके से ये 10 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे 5, 9 में से 5 करेंगे 4, पॉइंट 9 में से 8 किया 1, अब 2 में से 9 तो जा नहीं सकता तो ये अपने पड़ोस से लेकर 12 हो गया और ये 1 बचा, 12 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे 3 और 1 का 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, ₹131.45। इसका आपको होमवर्क में करना है डी ई और एफ, तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं इसके। आई होप ये सबट्रैक्शन कॉलम वाले अरेंज करने वाले आपको समझ में आ गए होंगे, और इस तरीके से आपको अरेंज करके लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, जो भी डायरेक्ट लिखेगा उसके मार्क्स कट जाएंगे। अभी बहुत से बच्चों ने ऐसे ही किया था, डायरेक्ट आंसर लिखे थे और उनके मार्क्स भी कटे हैं। क्वेश्चन 3 करते हैं इसका। क्वेश्चन 3 जो है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट होती है, लिखना जरूरी है। राजू बाइज अ बुक फॉर ₹47, अ पेंसिल फॉर ₹3.25 एंड बॉक्स ₹89.90। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन ऑल दीज आइटम, क्या है इन सब आइटम में उसने कितने पैसे इन स्पेंड किए। तो आपको क्या पूछा है इसमें, टोटल पूछा गया है, तो टोटल पूछा जाए तो क्या करना होता है, हमें ऐड करते हैं। राजू ने क्या क्या खरीदी, बुक खरीदी इतने की, पेंसिल खरीदी इतने की, और उसका बॉक्स है वो इतने का है, तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन ऑल दीज आइटम, इन सब आइटम में उसने कितना खर्च किया। तो कॉस्ट ऑफ अ बुक इक्वल्स ₹47, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल्स कितना है ₹3.25, कॉस्ट ऑफ अ बॉक्स कितने का है ₹89। स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है। सो आपको क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको दिखिए साफ, इसको आपको इसके नीचे ही सॉल्व करना है, रुपीज़ और पैसे का सिंबल बनाना है। तो पहला क्या है, ₹47.00, ₹3.25, नीचे क्या है ₹89.90। आप इसको इस तरीके से करेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट नहीं है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। अगर 325 है तो आप इसको डायरेक्ट ऊपर नीचे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 89 पॉइंट अगर कन्फ्यूज़न हो तो ₹90, थर्ड क्या है 25 पैसे, ₹3, इसके नीचे खाली छोड़ देना, आपको ऐड करना है। 5, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 1 इसको कैरी देंगे, 8 और 9 कितने होते हैं 17, 18, 19, 20, 20 का 0, 2 इधर कैरी लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर लगाना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, हैंस ही स्पेंड
टोटल मनी इक्वल्स टू रुपीज 140.15 पैसे, ये आपका आंसर आ गया। ही स्पेंड टोटल मनी 150.15 पैसे। तो स्टेटमेंट आपको इस तरीके से करके इस सम्स को पूरा कंप्लीट करना है। इसका मैं एक और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में बता रही हूँ। मर्ज आपको यह है कि डिजिट के नीचे डिजिट आपको इस तरीके से लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ मैं वर्ड प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 4, शीला बाइज अ केक फॉर रुपीज 15 एंड अ पैकेट ऑफ पेस्ट्रीज फॉर रुपीज 89.90 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। क्या है इसमें भी, इसने क्या पूछा है, शीला ने एक केक खरीदा और एक पैकेट खरीदी पेस्ट्री की, तो हाउ मच मनी ही डिड स्पेंड। इसने भी क्या पूछा है इसमें, टोटल इसने कितना खर्च किया। तो कॉस्ट ऑफ अ केक रुपीज 15, कॉस्ट ऑफ अ पेस्ट्री पैकेट ऑफ अ पेस्ट्रीज रुपीज 89.90 पैसे। सो क्या करना है, रुपीज पैसे का सिंबल बनाना है, 15.089.90। क्या पूछा है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, टोटल उसने कितना स्पेंड किया। 0, 9 के ऊपर 0 है तो 9 का 9.9 और 5 कितने होते हैं 14, 1 कैरी 8, 9, 10, तो 100। हैंस टोटल स्पेंड मनी रुपीज 104.90 पैसे आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ क्वेश्चन, कुछ होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 10 और 12, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 7.5। आई होप 7.4 आपका क्लियर हो गया हो। बाकी के 3 क्वेश्चन आपको जो मैंने दिए हैं वो वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरीके से ही स्टेटमेंट के साथ आपको कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 7.5, लेट्स मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें इसमें, मल्टीप्लाई करना है। रुपीज 8.15 पैसे को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं सेम इसको वैसे ही करना है। 6 के टेबल 5 टाइम्स, 6 5 जा 35, 6 5 जा 30, 3 कैरी लगाएंगे, 6 1 जा 6 और 3 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 8 जा 48। तो इसका आंसर क्या आया, 48 रुपीज़ 90 पैसे। बी रुपीज 26 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 की टेबल 5 टाइम, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 6 जा 18 का 8, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 3 2 जा 6 और 1 7, 78 रुपीज़ 45 पैसे। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें कौन सा होमवर्क करना है, सेम मल्टीप्लाई जो सिंपल वाली हमने की थी वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। एफ जी एच और आई, इसमें 4 सवाल करने हैं। ओके क्वेश्चन 2 देखते हैं, 7.5 का मल्टीप्लाई का ही। अब इसमें क्या करना है हमें, इसको कॉलम में अरेंज करके करना है मल्टीप्लाई। रुपीज 46.45 बाय 6, तो क्या करना है इसको हमें, रुपीज 46.45
को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो जैसे ऊपर क्या सेम, इसको इस तरीके से कॉलम में अरेंज कर लेना है। 6 की टेबल 5 टाइम्स 6, 5 जा 30 का 0, 3 कैरी लगाएंगे, 6 4 जा 24 और 3 27 का 7, 2 कैरी लगाएंगे, पॉइंट था इसलिए पॉइंट, 6 6 जा 36, 37, 38 का 8, 3 इधर कैरी लगाएंगे, 6 4 जा 24, 25, 26, 27, तो आपका क्या है 278 रुपीज़ 70 पैसे। इस तरीके से कॉलम में आपको अरेंज करना है। बी एक और मैं करवा रही हूँ, इसका ₹13.25 बाय 7। तो इसको किस तरीके से कॉलम में, इस तरीके से कॉलम में अरेंज कर लेना है। बाय 7 है तो इसलिए हम 7 इसको नीचे करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35 का 5, 3 इधर कैरी, 7 2 जा 14, 15, 16, 17 का 7, 1 इधर कैरी, 7 3 जा 21 और 1, 22 का 2, 2 इधर कैरी, 7 1 जा 7, 8 और 9। तो इसका कितना हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट था, 92 रुपीज़ 75 पैसे। तो आपको इस वाले सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के मैं आपको होमवर्क लिख रही हूँ यहाँ पे, क्या कौन कौन से क्वेश्चन करना है, सी एफ एच और जे, इसमें चार क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ऊपर क्या था, हमें क्वेश्चन पूरा सम बना हुआ था उसको सॉल्व करना था, नीचे क्या है कॉलम में अरेंज करके फिर सॉल्व करना है। अब इसका हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। आई होप ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गई हो। क्वेश्चन थर्ड है आपका, एंड आइसक्रीम कॉस्ट ₹5.57। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 सच आइसक्रीम। तो क्या होगा, एन आइसक्रीम कॉस्ट, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ अ एन, कॉस्ट ऑफ अ एंड आइसक्रीम। चल चल एक मिनट रुको, कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम कितना है, ₹5.57। नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी है, 6। सो आपको क्या करना है, ₹5.57 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। कितने आइसक्रीम का कॉस्ट निकालना है हमें, 6 का, 6 7 जा 42 का 2, 4 इधर कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34, 4 इधर 30 इधर और डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 5 जा 30 और 3 33। हैंस तो कॉस्ट ऑफ 6 आइसक्रीम कितना है, 33.42 रुपीज़ आंसर। इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट के साथ वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करनी है। मैं एक और वर्ड प्रॉब्लम करवा देती हूँ, अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आई है तो स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से स्टेटमेंट के साथ आपको ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करनी है। जहाँ टोटल पूछे वहाँ ऐड करो, जहाँ पूछे कि टोटल कितना खर्च हुआ लेफ्ट मनी वहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, जहाँ पूछे एक की इतनी है बाकी 6 का इतना होगा तो आपको क्या करना है उसमें मल्टीप्लाई करनी है। 5 इफ द कॉस्ट ऑफ अ बॉक्स इज ₹14.79, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच बॉक्सेस। क्या करना है इसमें, इसमें क्या है, हमें एक बॉक्स का कितना दे दिया है ₹14.79 और कितने का हमें मालूम करना है, 9 का। तो आपको क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ अ बॉक्स,
इक्वल्स रुपीज 14.79, नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टेटमेंट के साथ नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 9, सो आपको क्या करना है रुपीज 49.79 और 9 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81 81 का 8 1 कैरी लगाएंगे, 9 7 63 164 6 इधर कैरी, यहाँ पे अब क्या था 0.94 36 और 6 40 40 का 0 4 इधर हम कैरी लगाएंगे, 9 1 9 9 4 13 तो आपका क्या आ गया 130 रुपीज 40 पैसे। तो आप क्या लिखोगे, हैंस कॉस्ट ऑफ 9 सच बॉक्सेस इज 130 रुपीज 0.48 पैसे, यह आपका आंसर हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, होमवर्क में वर्ड प्रॉब्लम में कुछ करना है आपको, कुछ सम्स 8 10 12 और 14, ये चार आपको वर्ड प्रॉब्लम कॉपी में करनी है आज की डेट में। ओके, आई होप ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6, जिसमें क्या है आपको आर्यन ने कुछ स्टोरीज खरीदी है, आर्यन और अनु ने, यहाँ कुछ कॉलम दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, एप्पल है, बॉल है, फ्लावर है, कैरेट है, कार है और ये एप्पल है, तो आपको क्या करना है आर्यन का बिल लिखना है और अनु का बिल लिखना है। तो आर्यन ने जो लिया है वो टॉप शेल्फ से लिया, ऊपर वाले कॉर्नर से, तो ऊपर कौन कौन सी चीजें, मैंगो, फ्लावर और कार, और अनु ने जो है वो नीचे वाला लिखा है बॉल, कैरेट और एप्पल, तो आपको यहाँ पे आइटम का नाम लिखना है मैंगो, फ्लावर, कार और यहाँ अमाउंट लिखना है और टोटल यहाँ पे करना है कि इसने आर्यन ने कितना क्या सामान खरीदा, और अनु का भी लिखना है आइटम क्या क्या लिया और उसने कितना खर्च किया, टोटल यहाँ लिखना है हु बिल इज मोर, दोनों में से किसका बिल ज़्यादा है, तो आप जब ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा नीचे टोटल में किसका अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में उसका नाम लिखना है और सेकंड क्या है बाय हाउ मच, तो कितना ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.6 का आपको खुद करना है, ये टेबल बनाना है और आइटम लिखना है इसमें। ओके, आई होप जितना भी मैंने आज करवाया वो आपको समझ आ गया होगा, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।